बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिकन हांडी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार किस्म की चिकन हांडी बनाना सिखाऊंगी। और उम्मीद करूँगी आप सबको दूसरी रेसिपी की तरह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद मिट्टी की हांडी, और साथ उसमें डाल दिया है एक कप भर के ऑयल और दो अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिनको मैंने नॉर्मल साइज़ में चॉप किया हुआ है वो इसके अंदर डाल दिए। साथ ही मैंने थोड़ा सा प्याज जब ब्राउन हुआ तो इसके अंदर डाल दिए दो अदद सब्ज़ इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल रवायती अंदाज़ में आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मज़ीद, ये चिकन लिया है तकरीबन 1 kg, और ये मैं अब इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। इसमें प्याज और सिर्फ दो अदद इलायची डाली है, और ये 1 kg चिकन डालेंगे और सबको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। और नॉर्मल सी जो फ्लेम है ना उस पे हम लोगों ने इसको अच्छे से पका लेना है, ढक्कन देकर बंद करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, दोबारा से इसको खोल लेते हैं। तो और ये चिकन नॉर्मल सा ब्राउन हुआ, अभी ज़्यादा सारा ब्राउन नहीं हुआ, तो अब इसके अंदर डालने लगे हैं हमारे मसाले। उसमें 4 अदद दालचीनी डाल दी है और 1 अदद बड़ी काली इलायची डाल दी है। अच्छे से चम्मच लाएँगे ताकि ये मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और फिर से इसको कवर करके रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसको चेक किया और अब इसके अंदर डालने लगे हैं। ये मैंने 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इससे इसकी ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको चॉप किया हुआ, वो इसके अंदर डाल दिए हैं और सबको मिक्स करेंगे हम लोग। बहुत ज़बरदस्त किस्म की धुआँदार इसमें चिकन की खुशबू आ रही है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, इसे इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन देके बंद कर देंगे। ये देखें, इसके बाद हम इसे डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। चिकन हांडी बनाने के लिए अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग स्पाइसेस। 1 चम्मच सूरख मिर्च, 1 चम्मच ही नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, और 1 टीस्पून अब इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और 1 टीस्पून अब इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। सबको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने फ्लेम जो हमने नॉर्मल रखना है उसको फिर से ढक्कन देकर बंद कर देना है 10 मिनट के लिए। अगर आपको चिकन हांडी की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से मैंने ढक्कन पे निकाला है और इसमें मैंने डाल दी हैं 2 अदद आलू चॉप करके, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना आप स्किप कर सकते हैं। फिर से इसको ढक्कन देकर बंद कर दिया था, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन हांडी रेडी हो चुकी है। और अब मैं चूल्हे का जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूँगी। आप चाहते हैं तो उसको ज़्यादा ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनफ है। तो अब हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे, और ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो ज़्यादा टाइम तक इसमें सालन गर्म रहता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, चिकन हांडी रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी लग जाए।